पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके पार्टी के पास चार विधायक बना और बिहार में ऐसा नंबर था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। साथियों, हमारे पास आपके पास वो ताकत था, सरकार का चाबी था, आप जिसको हमको मुख्यमंत्री बना सकते थे वो ताकत आपके पास था साथियों। और हमने एक निषाद मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना के देख लिए साथियों, बना दिए हैं। उसी तरीके से आने वाला समय में आप मुख्यमंत्री बनिए, अपने आप को डिप्टी सीएम बनिए और आपका जो अधिकार है वो लीजिए, हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए। इस राज्य में हर साल इस राज्य के विकास के लिए तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये देश राज्य के विकास के लिए अगर 10% आप आबादी हैं तो कम से कम आपके विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन 28,000 करोड़ तो छोड़िए, आपके विकास के लिए 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता साथियों, 800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता है, आपको अधिकार नहीं मिलता है। आज बाढ़ का समय है, आज इस एरिया में कोसी में आप सहरसा में मैक्सिमम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन पटना वाला ध्यान नहीं देते हैं। आज जो हमारे अभी गोरा बोराम में बांध जो टूटा, ये सरकार के लापरवाही से हुआ है। अगर सरकार अगर समय रहते हुए अगर बांध का अगर मरम्मत कर देते तो बांध टूटता नहीं और वहां के हजारों का हजार संख्या में लोग बेघर नहीं होते। आज सरकार उसको खिचड़ी खिला रहे, आप बताइए आज बिहार के नागरिक खिचड़ी खाने के लिए 10 रुपए का खिचड़ी खाने के लिए बैठा है? कई लोगों का घर टूट गया, कई लोगों का पूरा सामान बह गया, लाखों का लाख नुकसान हो चुका है और सरकार मात्र 7,000 रुपया दे रहे हैं। सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके कारण बाढ़ आया है, उनके लापरवाही हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाढ़ के तट पर कौन रहता है? सब गरीब जाति के लोग रहते हैं और बड़े संख्या में निषाद परिवार रहते हैं। आज मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारे छोटे भाई पूरे 5-6 विधानसभा गोरा बराम हो, कुशेश्वर हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, महेशी हो, सभी जगह हम लोग वितरण कर रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं। तो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार आपको अपना लोग नहीं मान रहे, वो मानते हैं कि वो आप उनका वोट नहीं है, इसलिए वो आपके साथ मदद नहीं कर रहे। यही अगर आपका सरकार होता तो खिचड़ी नहीं बनता, वहां मछली भात का भोज होता साथियों, मछली भात का भोज होता। और कल से हम लोग करवा रहे हैं कि हमारे लोग सिर्फ खिचड़ी नहीं खाएंगे, हर वो चीज जो हमेशा खाते हैं वो खाएंगे, उनका अधिकार है। इसलिए साथियों अपना सरकार बनाइए, और सरकार ऐसे नहीं बनेगा, सरकार अगर बनना होता तो 77 साल में आप लोग बना लेते हैं। अगर 77 साल में नहीं बना तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। और मैंने करके दिखाया ना, हम 4 को विधायक बनाए ना, पूरे बिहार को बताए कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता है। हमने बताया, हम 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे साथियों, अपनी सरकार बनाएंगे। आपका दुश्मन कितना मजबूत है, समझदार है, होशियार है, वो देखा कि जो समाज हजारों साल से बरसों से जो गुलाम बनके था वो मालिक बन गया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको रोको, इसको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया, हमारे 4 विधायक को खरीद लिया और खरीद कर आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। आज हम सरकार में रहते, मंत्री रहते, अपने पावर पे रहते, कोई मंत्री हमको मेहरबानी करके नहीं बनाया, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया फिर हम मंत्री बने, अपने दम पे बना था साथियों, अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था। जो पटना में जो 2-3 लाख करोड़ का जब बजट बनता था वहां पे मैं बैठा रहता था और अपने समाज के पॉलिसी के लिए, गरीब समाज के पॉलिसी के लिए मैं वहां पे काम कर रहा था साथियों। और जब मैं कहता था तो किसी का मजाक नहीं था कि मुकेश सहनी का बात काट देगा,
जब मुकेश सहनी का बात काटेगा तो सरकार गिरेगा। हम एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का बनाए पशुपालन के लिए। बिहार में जितने भी हमारे डैम हैं वहाँ मछली पालन नहीं होता था, दूसरे विभाग में था। वो डैम को 37-36 डैम को हमने अपने विभाग में जोड़वा दिया। हम एक से एक पॉलिसी बना रहे थे, जितना भी बिहार में तालाब है अतिक्रमण है सभी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना ये हमारा संकल्प था। सभी तालाब को घेराबंदी कराना हमारा संकल्प था। जितने भी चोर है वहाँ पे मिट्टी कोराईकरण करके वहाँ पे तालाब बनाने का निर्माण करने का मेरा संकल्प था। लेकिन मैं काम कर रहा था और 15 महीने में देखा कि ये आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भाई 75 साल के बाद मौका मिला, कैसे न तेजी में चले भाई। क्या तुम ही से अपना देखोगे कि तुम्हारे लोग प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री बने? क्यों हम सपना नहीं देखेंगे? हम भी सपना देखेंगे। जब हम सपना देखेंगे तब साकार होगा। कोई व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, जब तक आप सपना नहीं देखिएगा, उस रास्ते पे काम नहीं कीजिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनने के लिए पहले सपना देखिए, और जब सपना देखिएगा तो उस रास्ते पे 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, और जब 18 घंटा पढ़ाई कीजिएगा तो आप ही कलेक्टर बनिएगा। साथियों, आप ही कलेक्टर बनिएगा। लेकिन उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए सपना देखने के लिए बात करना है। आज हम सपना देखेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी बनेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में ये संकल्प यात्रा एक साल के लिए निकला हुआ है। 1 अक्टूबर से हम निकले हैं और 2025 में 2 अक्टूबर को समापन होगा। पूरे बिहार में रात्रि विश्राम होगा 22 फरवरी तक। उसके बाद पूरा जिला में, पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाएगा। उसके बाद रथ के या माध्यम से हमारा यात्रा निकलेगा। साथियों, ये संकल्प यात्रा 3 चरण में है, इसलिए पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह है कि सब लोग मिलजुल कर, ये लड़ाई मुकेश सहनी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए, खास करके गठबंधन जैसे हम पटना में किए हैं वैसे जमीन पर गठबंधन कीजिए। हर जाति धर्म के साथ जुड़िए, जो तकलीफ में है उनको मदद कीजिए, उनके साथ खड़ा होइए। जब तक नीचे में आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ऊपर में जीतेंगे नहीं। इसलिए साथियों, आप सभी को मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। पार्टी में जितने भी नेता है सब आपस में तालमेल बिठाइए, आपस में खींचातानी मत कीजिए। जो भी आपस में मतभेद है वो सोशल मीडिया पे मत लिखिए, घर पे बैठिए। हफ्ता में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में कहीं पे बैठिए, उस बात को रखिए, उसको देखिए कैसे दूर होगा। उसके बाद आप लोगों से दूर ना हो तो हमको बताइए, लेकिन आपस में फरियाने की बात नहीं कीजिए। किसी को छोटा, किसी को बड़ा करने की बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और एक बनकर मजबूती से लड़ाई लड़िए। आप लोगों ने 10 सालों से खून पसीना बहाकर आज पार्टी यहाँ तक पहुँचा है। अभी वृक्ष मजबूत हो चुका है, अभी फल भी देने लगा है, लेकिन फल खाने के लिए आराम से बैठिए, मजबूती से साथ दीजिए। ऐसा ना हो पेड़ में फल लगा और दूसरे लोग तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होने दीजिए। तो इसलिए तमाम साथी से कहूँगा, हमारा आधार वोट है, जहाँ हमारा आधार वोट है, जहाँ हम अच्छे मजबूत में स्थिति में हैं, वो हर हाल में वो सीट हम लड़ेंगे, VIP पार्टी का कोटा में होगा। उसके अलावा चारों सीट को जीतना आपका और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। साथियों, चारों सीट को जीतना, चाहे गठबंधन के जो भी लोग लड़े, क्योंकि इस विधायक बनाने से नहीं होगा, आपको CM और डिप्टी CM बनाना पड़ेगा। और जब CM और डिप्टी CM बनेंगे, दर्जनों मंत्री बनेंगे, तब आपका अधिकार हो मिलेगा। साथियों, तब जाके अधिकार मिलेगा। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? हर गांव में अपने आप को जाइए, सनअप मल्ला बन के काम कीजिए साथियों। और अभी हम रात्रि आज सहरसा में हैं, कल सुपौल में जाएंगे, परसों खगड़िया जाएंगे, फिर समस्तीपुर जाएंगे, फिर पटना जाएंगे। 4 दिन में अभी यात्रा पे रहेंगे, रात्रि हमारा विश्राम है। किसी साथी को पर्सनल कुछ मिलना है, बात करना है, आप सर्किट हाउस आइए, मिलिए, बात कीजिए, हर समस्या का हल होगा साथियों। और बहुत सारा हल जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा साथियों।
मैं कोई हिटलर नहीं हूँ कि आप मेरे पास समस्या लेके आइएगा और मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है साथियों, इस पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं और सभी का जितना आपका हिस्सा है उतना सभी का हिस्सा है साथियों, और सभी के लिए पार्टी है। पार्टी के पदाधिकारी जो होते हैं उनको तनख्वाह नहीं दिया जाता है, स्वयं जनता का समाज का सेवा करने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपके साथ ऊंची आवाज में बात करूं। आप जिस तरीके से काम करो ऐसे हम भी काम कर रहे हैं, गलती आपसे भी होगा, हमारा फर्ज बनता कि आपको माफ करना, गलती हमसे भी होगा, आपका फर्ज बनता है कि माफ करना। हमें पूरा पता है कि पार्टी के नेता पदाधिकारी कोई जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, हमसे भी गलती जानबूझ के नहीं होगा, लेकिन कुछ गलती जाने अनजाने में होगा। राजनीति में हम लोग नए हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे महान नेता के सामने में बैठते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा, हमें उनका चेला बनना पड़ेगा, उनका गुरु हम नहीं बन सकते, जितना उनके पास ज्ञान है उतना हमारे पास नहीं है। बहुत ऐसे चीजें हैं वो आपको आने वाले समय में आपको काम करने के बाद अनुभव प्राप्त होगा साथियों। हार से सीख मिलेगा कि आपकी हार कैसे हुई है, उससे सीख लीजिए और आने वाला समय में उससे बेहतर करने का कोशिश कीजिए साथियों। आप लोग मंथन कीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर में कैसे हारे, क्या कारण था, उस कारण को ढूंढकर उससे बेहतर करने का काम कीजिए साथियों। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ नेता आए हैं, युवा साथी आए हैं, माता बहन आए हैं, आप लोग गांव-गांव में जाकर चर्चा कीजिए। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा जिस विधानसभा में, उस विधानसभा में वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा साथियों, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा तब तक हम चुनाव के लिए सोच भी नहीं सकते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, जवाबदेही लेकर बूथ कमेटी बनाइए, पंचायत कमेटी बनाइए। और जब तक बूथ कमेटी पंचायत कमेटी नहीं होगा, आप कितना भी खर्च कर दीजिएगा आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपको भी पता है कि आपके पास हमारे पास संसाधन का अभाव है, हमारे पास आपके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसे समय में आप जब बूथ पे काम किए रहिएगा, पंचायत में काम किए रहिएगा, तो कम भी संसाधन होगा तो आप वहाँ पे जीत हासिल कर लीजिएगा साथी, जीत हासिल कर लीजिएगा। अगर संसाधन नहीं होगा, बूथ कमेटी नहीं बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा आपका चुनाव जीत नहीं होगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग आपस में मिलकर काम कीजिए, कहीं कोई शिकायत है पटना में आके बात कीजिए, और आप पे हम भरोसा कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के निषाद हमारे सभी 22 का कुरी आज हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे नज़र टिका के रखे हैं कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ साथियों। इसलिए आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है और हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है, इसलिए हमें जो काम करना है वो हमारे ऊपर छोड़िए, हम करेंगे। लेकिन आपके ऊपर जो हमने जवाबदेही दिया है वो जवाबदेही आप लोग पूरा कीजिए। और आज आपने जिला कमेटी के सभी नेतागण को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आपने शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा तरीके से कार्यक्रम आपने करा रहे हैं, अच्छे तरीके से स्वागत करवाए हैं, तो आप सभी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। लेकिन माइक सही करवा लिया कीजिएगा, ठीक है, माइक ऑपरेटर को या साउंड बॉक्स जो भी दूर से आए हैं, और जिन साथी को मिलना है सबके पास आप लोग मिलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।